यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की एक स्टडी के हिसाब से लंबे टाइम तक सेक्स ना करने की वजह से आपके न्यूरॉन्स भी ढंग से काम नहीं करते, जिससे आपका दिमाग अच्छे से चलेगा नहीं और आपके आइडियाज भी लेम से ही होंगे। ये कह रहा है सेक्स करना चाहिए, ठीक है कर लेंगे, पर बंदी तो है नहीं और न ही इतने पैसे हैं कि 6000 में रशियन लेके आए, और इनके हिसाब से ना सेक्स और लॉलीपॉप दोनों दुकान में मिल जाएंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। क्या आप लोग को भी गुप्त रोग है? सबको क्यों बोल रहा हूँ, क्या आप सबके डोरेमोन को भी गुप्त रोग है? तो आज का वीडियो बहुत ही काम आने वाला है, तो बच्चे कृपया इस वीडियो से दूर रहे नहीं और दूसरे वाले वीडियो जाके देखें, और अगला वीडियो आपके लिए भी आएगी तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, और जो लोग भी देख रहे हैं कृपया करके कान में हेडफोन लगा लें ताकि कहीं से जूता ना पड़ जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन चैनल के बारे में जिसका नाम है सेक्स शिक्षा। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, देखो भाई लोग, इसका कंटेंट इस प्रकार है यूट्यूब पे कि लोगों को शिक्षा के जगह पे मनोरंजन पूरा पूरा मिलता है। अच्छा, हमको सिखा रही है मास्टरबेशन का नियम मेकर्स इनफर्टाइल, बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। क्या मतलब झगड़ू बाबू हमारे आखिरी औलाद है? अरे बुद्धू, साइड हट, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस मिथ्स है, फैक्ट्स भी तो पता होने चाहिए। जान में जान आई। तू आ गया क्या? ना, सो लेट्स बस्ट सम मिथ्स। नंबर वन, मास्टरबेशन कैन मेक यू इनफर्टाइल। इनफर्टिलिटी का मास्टरबेशन से कोई लेना देना नहीं है। नंबर टू, देयर आर नो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मास्टरबेशन। बट आपको पता है मास्टरबेशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स? और क्या, ये तो मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए हगू बाबू को कहते रहता हूँ सुबह शाम दोपहर बेरिया और रात चारों पहर हमें ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। देखो देखो, दरिंद की चेहरे से टपकती है। बट बट बट। Masturbating 3-4 times a week is considered to be healthy. इससे आपका sleep, stress, headache, concentration सब कुछ improve होगा। हगू बाबू, आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? तो आप भी masturbation करो, आपको भी नींद आएगी। तू पागल है क्या? Music। For women, it will result in less vaginal dryness and less pain during sex. आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि ये सब मिथ्स हैं। क्या बोला तूने? ऑलरेडी पता है ना कि ये सब मिथ्स हैं। मिथ है? ये क्या बहन? ख्वाब दिखाता है मादर जात, फोड़ी देंगे साला। आप सब भी अपने फर्स्ट टाइम सेक्स को एक सिनेमैटिक शॉट की तरह इमेजिन करते हो क्या? हम लोग तो नहीं करते, शायद तुम करती होगी, थोड़ा और बताओ। बहुत लोगों को लगता है वो उतना ही ऑसम होगा, तो फर्स्ट टाइम सेक्स के मिथ्स बस्ट करता है। ठीक है, नहीं करेंगे। देखो देखो, दरिंद की चेहरे से टपकती है। नंबर वन, कि ये मूवीज जितना ही ऑसम होगा, अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बिल्डअप मत कर देना जैसे मूवीज में दिखाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले परफेक्ट सीन्स नहीं होंगे आपके फर्स्ट टाइम सेक्स में। नंबर टू, कॉन्डम्स मेक पेनिट्रेशन डिफिकल्ट। हीरो वन बनना इसको सुनने के बाद, मिथ ही है ये। कॉन्डम को पहनने से थोड़ा टाइम लग सकता है पेनिट्रेट करने में, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। नंबर थ्री, बी कूल ड्यूरिंग योर फर्स्ट टाइम एंड डोंट मेक नॉइजेस। मोनिंग इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर प्लेजर। फर्स्ट टाइम पर थोड़ी ऑकवर्डनेस हो सकती है, बट बी रिलैक्स्ड। अब वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने पार्टनर को ये वीडियो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो सेक्स शिक्षा को। कैसे कर लूं? कैसे कर लूं? तो है नहीं और न ही इतने पैसे हैं कि 6000 में रशियन लेके आए। क्या बोला तूने? तो है नहीं और न ही इतने पैसे हैं कि 6000 में रशियन लेके आए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।